हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट, जो कि आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 में होने जा रहा है, जिसमें 1033 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी टीचर के लिए जो पोस्ट निकल के आया है, इसमें अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 10 पास। तो अगर आप 10 पास है तो डेफिनेटली आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको सारे जानकारी दे दूँगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। लास्ट डेट है 23rd of April 2024, ऑफिशियल अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024, एंड इसमें बहुत सारे पोस्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो। दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए 1033 वैकेंसीज भी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 में ऑफिशियली इस बार की अपडेट जो निकल के आया है, इसमें आप लोग अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको किस तरह से एप्लीकेशन करना है, सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा। वेरियस पोस्ट में रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एंड जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो जॉब लोकेशन रहने और राजस्थान में ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने वाले, लास्ट डेट भी यहाँ पे दिया गया है। राजस्थान आंगनवाड़ी के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए सारे अपडेट भी दिया गया है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी मिनी वर्कर, आशा, इन सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 10 पास होना चाहिए। तो अगर आप लोग 10 पास हो तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिनिमम जो है 10 पास होना चाहिए। एंड एज क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 18 इयर्स से 40 इयर्स तक, आप लोग 35 इयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसका डिटेल भी आप लोगों को दूंगा, कि 18 से 35 इयर्स तक आप लोग फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, जो एज क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग एज इलेक्शन भी मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए, यहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम भी होने वाला है, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। रिटेन एग्ज़ाम में भी क्वालिफाइड करना होगा। एंड इसके साथ यहाँ पे ऑफिशियल जो लिंक है मैं नीचे दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।